अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किचन विद फूड। किचन विद फूड में मैं आज आप लोगों के साथ बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही इफ़ेक्टिव और बहुत ही स्पेशल फेस वॉश की रेमेडी शेयर करने लगी हूँ। ये फेस वॉश मैंने पहले भी बहुत से फेस वॉश आप लोगों के साथ रेमेडी शेयर की हुई है। ये भी फेस वॉश उन फेस वॉशों की तरह बहुत ही इफ़ेक्टिव है और ज़बरदस्त है। ये आपके रंग को फेयर करेगा, दाग धब्बे दूर करेगा, ठीक है। दानों के निशान पड़ गए हैं, छाइयाँ आ गई हैं चेहरे के ऊपर, कुछ भी मसला है ये उसके लिए ज़बरदस्त है जी, ठीक है। ये फेस वॉश हम बनाने किससे चीज़ से लगे हैं ये बताने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन करिएगा। जो लोग जो मेरे बहन भाई मेरी वीडियो को अभी देख रहे हैं, प्लीज़ इतनी सी मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को आगे सपोर्ट करिएगा, अपने फैमिली अपने फ्रेंड के साथ अपने मिलने वालों के साथ मेरे चैनल को आगे शेयर करिएगा। बहुत ही ज़बरदस्त आसान सी रेमेडी होती हैं और इफ़ेक्टिव होती हैं। रेसिपी बनाती हूँ बहुत ही सादा सी और जो मुझे आता है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो प्लीज़ आपने इतनी मेरी रिक्वेस्ट है कि आपने मेरे चैनल को आगे शेयर करना है और हेल्प करिएगा। मेरी डेली वीडियो अपलोड होती है, आप डेली देखा करें, बहुत ही आसान सी चीज़ें होती हैं और ये आपकी रोज़मर्रा की काम की चीज़ें होती हैं। जो कि किसी को कोई मसला हो तो प्लीज़ आप उसके साथ मेरी वीडियो को, मेरी रेसिपी को, मेरी रेमेडी को शेयर करिएगा। या चलते इस रेमेडी की तरफ, जो हम रेमेडी बनाने लगे हैं इसमें जो चीज़ें हमें चाहिए जी, उसमें सबसे पहले तो मुझे चाहिए, ये देखिए ये मेरे पास है सौंफ का ना मैंने पाउडर बनाया हुआ है, ठीक है। ये मैंने बड़ा सा डिब्बा था, ये काफ़ी यूज़ हो गया तो मैं ख़त्म होने वाला है, तो ये सौंफ का ना मैंने पाउडर बना लिया है, ठीक है। उसके बाद ये मेरे पास है कॉर्नफ्लोर पाउडर, ठीक है। ये मेरे पास आलमंड ऑयल है, ठीक है। ये मेरा होममेड आलमंड ऑयल है। तो आलमंड ऑयल का सब ने बहुत तारीफ़ की और माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त वो वीडियो चल रही है मेरी, तो आप देखिएगा। बहुत ही यूनिक तरीका है ऑयल बनाने का, ऐसा आप हैरान हो जाएंगे देख के कि यह ये ऑयल ऐसे बन जाता है। वाकई ये फेक नहीं वीडियो है, वो ज़बरदस्त उससे ऑयल बनता है। उसके बाद हमें चाहिए जी इसके अंदर कोक की बोतल चाहिए एक अदद। ये हमने कोक की बोतल के साथ बनाने लगी हैं, ये बहुत ही स्पेशल है फेस वॉश है, ठीक है। इसके लिए हमें चाहिए जी एक टेबलस्पून जितना हमें इसके अंदर चाहिए ये सौंफ का पाउडर चाहिए, ठीक है। एक टेबलस्पून सौंफ का पाउडर ले लिया हमने। उसके बाद हमें इसके अंदर चाहिए जी ये देखें, ये मैंने एक टेबलस्पून भर के डाल देना है आलमंड ऑयल, ठीक है। एक टेबलस्पून आलमंड ऑयल चला गया। उसके बाद हमें इसके अंदर चाहिए ये बॉटल, ठीक है। ये कोक की बोतल है, ये हम पीने के लिए तो इस्तेमाल करते लेते ही हैं, गेस्ट के लिए हो या फिर वैसे भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही अच्छे से ये ड्रिंक है जो सर्द गर्मियों में बहुत अच्छे लगते हैं, ठीक है जी। ये डाल दिया, ये आधा कप जितनी हमने इसके अंदर ये बोतल डाल देनी है। बोतल डालने के बाद हमने एक चम्मच इसके अंदर कॉर्नफ्लोर पाउडर का डालना है। यह मेरा होममेड कॉर्नफ्लोर पाउडर है, या इसकी वीडियो मेरे चैनल पर मौजूद है, आप देखिएगा। मैं बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ये कॉर्नफ्लोर पाउडर बनाया हुआ है। कॉर्नफ्लोर पाउडर डाल के इसको मैंने अच्छे से अपना इसकी मिक्सिंग करती हूँ, ठीक है जी। क्या क्या गया इसके अंदर, इसके अंदर बोतल गई, सौंफ का पाउडर गया, ऑयल गया, और साथ में हमने इसके अंदर डाल दिया है जी कॉर्नफ्लोर पाउडर, ठीक है। ये डाल के इसकी अच्छे से हमने अपना मिक्सिंग कर लेनी है, ज़बरदस्त इसकी मिक्सिंग होनी चाहिए, ठीक है। अभी कुछ ही देर में ये गाढ़ा हो जाएगा, ठीक है। तो आपने परेशान नहीं होना कि भाई ये तो अब काफ़ी थिक हो गया है तो क्या करें, आपने इसके अंदर थोड़ा सा अरके गुलाब वो ऐड कर दीजिएगा, ठीक है। अरके गुलाब आपने ऐड कर लेना है, तो ये आपका बहुत ही ज़बरदस्त और यूनिक सा और स्किन को दाग धब्बे दूर करने के लिए, ये आपकी स्किन को कलर को फेयर करने वाला और इसके बहुत ही ज़बरदस्त इसके फायदे, स्किन को सॉफ्ट कर देगा, स्मूथ कर देगा स्किन को। इसको देखिए, इसको अच्छे से इसको मिक्सिंग करते जाना है, करते जाना है। देखिए मैं इसको अच्छे से इसकी मिक्सिंग कर रही हूँ, मिक्सिंग करते करते ये काफ़ी हद तक गाढ़ा हो गया है, ठीक है। तो इसको अंदर
आधा कप हमने इसके अंदर बोतल डाल दी है। इसको बना के आपने फ्रिज में रखना है, ठीक है, इसको बाहर नहीं रखना आपने, क्योंकि इसके अंदर हमने बोतल डाली है तो कि वो बाहर रखने से इसके ख़राब होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। तो आपने इसको फ्रिज में रखिएगा, इसको फुल बॉडी इस्तेमाल करिएगा, आपकी बॉडी का कलर इक्वल हो जाएगा, इतना ज़बरदस्त और इतना सॉफ्ट और स्मूथ, जैसे आपने शावर जेल मिलती है ना, आप कभी इस्तेमाल की हो या करते भी होंगे तो आप उससे कहीं गुना ज़्यादा इसका अच्छा रिजल्ट है, शावर जेल से ज़्यादा, ठीक है जी। इसको इस तरह इसको अच्छे से इसको मिक्सिंग करते जाना है, करते जाना आपने। और ये देखें, इसके अंदर हमने अरके गुलाब, थोड़ा सा अरके गुलाब डाल देना है। अब मैं ये इसके अंदर थोड़ा सा ना अरके गुलाब ऐड करती हूँ, ठीक है जी। ये काफ़ी हद तक गाढ़ा हो गया था, मैंने इसके अंदर ये देखें, इसका टेक्सचर हमने बिल्कुल ऐसे ही रखना है जैसे फेस वॉश का होता है, ठीक है ना, बिल्कुल ये वैसे ही होगा इंशाल्लाह। मैं जो बता रही हूँ इंशाल्लाह आपका इससे इस्तेमाल से आपका कलर भी ऐसा ही हो जाएगा, इतना प्यारा कलर, वाइट कलर हो जाएगा, सॉफ्ट स्मूथ, और दाग धब्बे भी दूर हो जाएंगे। आप इसको फुल बॉडी इस्तेमाल करिएगा, ऐसी आपकी बॉडी हो जाएगी जैसे आपने शावर जेल का इस्तेमाल किया है, इतना ज़बरदस्त इसका रिज़ल्ट है। और ये देखिए, कुछ भी इतना ज़्यादा चीज़ें नहीं हमने इसके अंदर डाली, और इफ़ेक्टिव देखिए बहुत ही ज़बरदस्त है। आधा कप हमने इसके अंदर बोतल डाल दी है, और एक टेबलस्पून भर के मैंने सौंफ का पाउडर डाला है। एक टेबलस्पून जब ड्राई होती है ना चीज़, जब उसको एक टेबलस्पून हो ना तो समझिए दो टेबलस्पून जितनी जाती है, क्योंकि वो ज़्यादा फूलती है ना। फिर इसको मैंने पाउडर बना के रखा हुआ है, तो वो आपका एक टेबलस्पून भर के वो गया। एक टेबलस्पून हमने इसके अंदर ऑयल, आप कौन सा भी ऑयल डाल सकते हैं, कोकोनट ऑयल भी डाल सकते हैं, आलमंड ऑयल भी डाल सकते हैं, मैंने तो आलमंड ऑयल डाला है, तो आप इसके अंदर जैतून का तेल भी डाल सकते हैं, ऑलिव ऑयल इसको कहते हैं, वो भी डाल सकते हैं। डाल के तो इसको मिक्स करते जाने, ये देखे ना, ये मिक्स हो गया, तो ये इसका जो टेक्सचर था थोड़ा सा गाढ़ा हो गया था जब मैं इसको मिक्स कर रही थी, तो ये देखिए अब ये बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो इसके अंदर हमने थोड़ा सा अरके गुलाब भी ऐड कर लिया, अरके गुलाब करने से ये स्किन को ठंडा भी करेगा, और दाने दाग धब्बे दूर हो जाएंगे, और स्किन को नीट क्लीन कर देगा, इतना ज़बरदस्त। इसका पहले ही वॉश में आपको 100% वैसा ही रिजल्ट मिलेगा जैसा मैं बोल रही हूँ, ठीक है जी। इतनी ज़बरदस्त ये रेमेडी है जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है, आई एम श्योर आपको पसंद आई होगी। तो मेरे बहन भाइयों ने मुझे सपोर्ट करनी है, ठीक है, मेरी मदद करिएगा, आगे चैनल को शेयर करिएगा अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड के साथ। अगर किसी को कोई चीज़ नहीं समझ आ रही, कुछ पूछना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप मुझसे कमेंट बॉक्स में रब्ता कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी, जो मुझे पता है या जिस चीज़ के बारे में मैं वीडियो अपलोड करती हूँ मुझे पता हो, तो मैं आप लोगों के साथ उसकी इन्फॉर्मेशन है मेरे पास, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अगर आपको कुछ भी नहीं समझ आ रहा, कोई चीज़ के बारे में पूछना चाहते हैं, या किसी को कोई मसला है, तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तो मैं आपको, मैं चाहे थोड़ा लेट हो लेकिन मैं आंसर ज़रूर आपको दूँगी, ठीक है। बात सफ़ा ऐसा हो कि नेट की स्पीड की वजह से ना दे सकूँ, तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपको इसका आंसर ज़रूर दूँ। तो फिर मिलते हैं आपसे एक नई और डिफरेंट सी रेमेडी के साथ। अपना अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा जी, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।